आइए अब चाहता हूँ कि सीधे सीधे महफिल का आगाज कर दिया जाए। हजरत गिरामी, आगाज उसी मुकद्दस कलाम से हो जिसे सुनकर उमर जैसा सख्त मिजाज इंसान भी मोम की तरफ पिघल जाया करता है। जिसकी आयात दुश्मनाने इस्लाम छुप छुप कर सुना करते थे, वो कलाम दुनिया इंसानियत के लिए आखिरी किताब हिदायत है। इस तगज्जुर पज़ीर आलम में हर शय बदल रही है और बदलती रहेगी। मौसम बदलेंगे, फिजा बदलेगी, अफकार और नजरियात बदलेंगे, कानून और जवाबित बदलेंगे, मगर तब्दीलियों की इस फिजा में, तगज्जुरात के इस माहौल में मुसलमानों का कुरान कभी नहीं बदलेगा, सुबह कयामत तक नहीं बदलेगा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن
आवाज़ों का सोजो साज है ये या कुरान का एजाज है ये। कुरान के दुश्मन छुप छुप कर कुरान समात करते हैं। अल्लाह है ये इश्क़े कुरान किस चीज से ढाले हैं उस्मा है मौत खड़ी सर पे लेकिन कुरान तिलावत करते हैं। सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो मीनार गिर गए हैं तो बाजार में पढ़ो। ये बेखबर नुजूमी तुम्हें क्या बताएंगे अरे कल क्या होने वाला है कुरान में पढ़ो। कल क्या होने वाला है कुरान में पढ़ो। हजरत ग्रामी महफिल का आगाज तिलावत कलामुल्लाह के जरिए हो गया। महफिल को कामयाबी की जमानत मिल चुकी इस बात में कोई शक नहीं है कि ये रात खूबसूरत हो चुकी है। इस बात में कोई शक नहीं है कि ये माहौल नूरानी हो गया है। इस बात ने मुझे कोई शक नहीं है कि फिजा दिलकश फिजा महकी महकी है। लेकिन